आज का हमारा विषय है आलू। जी हाँ, आपने ठीक सुना, प्रायः सभी घरों में खाया जाने वाला कंद आलू। ये वही आलू है जिसे बड़े ही शौक से हर घर में खाया जाता है। परंतु क्या आपको ये पता है कि ये आलू गंभीर बीमारियों का कारण भी हो सकता है? कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार तले हुए आलू से मृत्यु दर में वृद्धि पाई गई है। आलू से उच्च रक्तचाप, कैंसर, डायबिटीज और शरीर में मोटापा, गैस, कब्ज और पाचन संबंधित समस्याएं जैसी बीमारियों का होना पाया गया है। आइए जानते हैं आलू जीवन में कितना हानिकारक है। आयुर्वेद के अनुसार आलू शीतल, रुष्क, पचने में भारी, कफ तथा वायु को बढ़ाने वाला एवं रक्त पित्त को नष्ट करने वाला है। आचार्य चरक ने सभी कंदों में आलू को सबसे अधिक अहित करने वाला बताया है। इसके नियमित सेवन से कब्ज, गैस आदि पाचन संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आलू को तेल में तलने से वह विष तुल्य काम करता है। तले हुए आलू के पदार्थ जैसे चिप्स के ऊपर मिर्च, राई, नमक या गरम मसाला डालकर खाने से स्वप्न दोष, शुक्र स्राव, श्वेत प्रदर आदि समस्याएं होती हैं। आइए जानते हैं इस विषय में आधुनिक संशोधनकर्ता क्या कहते हैं। उच्च तापमान पर या अधिक समय तक आलू को तेल में भूनने या तलने से उसमें स्वाभाविक ही एक्रिलामाइड का स्तर बढ़ जाता है, जो कि कैंसर उत्पादक तत्व सिद्ध हुआ है। एक अमेरिकन अनुसंधान के अनुसार उबला हुआ, तला हुआ, फ्रेंच फ्राइज, आलू की टिक्की या चिप्स आदि किसी भी रूप में अधिक बार आलू का सेवन करने से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार तले हुए आलू के अधिक सेवन से मृत्यु दर में वृद्धि होती पाई गई है। इसका सेवन मोटापा व मधुमेह का भी कारण बन सकता है। शास्त्रों में आता है कि यदि बहुत ही जरूरी हो और कुछ खाने को न मिले, तब ऐसी अवस्था में आलू को भूनकर खाया जा सकता है और किसी भी अवस्था या किसी भी रूप में जैसे तलकर, उबालकर आदि आलू खाना सेहत के लिए हानिकारक माना गया है। वायरल बीमारियों में भी आलू नुकसानदेह माना गया है, अतः आलू के सेवन से परहेज करना चाहिए।